प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के 800 छात्रों को राजस्थान कोटा से वापस हरियाणा लाया गया है। बता दें कि ये सभी छात्र राजस्थान के कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और लॉकडाउन के चलते वहां फंसे हुए थे, जिसके बाद हरियाणा सरकार के निर्देशों पर इन्हें वापस लाया गया है। वापस लाए गए छात्रों में 14 छात्र अंबाला के हैं, जिन्हें अंबाला कैंट और अंबाला शहर में क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल सभी छात्रों को हरियाणा रोडवेज बसों के जरिए वापस लाया गया। राजस्थान कोटा में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा ने बताया कि उन्हें वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन घर आने की इच्छा थी। नहीं नहीं, डर कुछ नहीं था, बस ये था कि हाँ घर जाने का थोड़ा था कि मतलब बीच में कुछ ना हो जाए। बाकी सब तो ठीक से है, मतलब ठीक से लेके आए, अच्छे से लेके आए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी। मेडिकल चेकअप भी किया गया है आपको? हाँ, आग पे थर्मो स्कैन हुआ था, मतलब टेम्परेचर देखा था, बाकी तो हाँ थी। परिवार से बात करवाई गई? हाँ। वहीं छात्रों को जब अंबाला लाया गया तो पूरी पुलिस सुरक्षा दी गई और दोनों तरफ के रास्ते बंद कर पुलिस की देखरेख में छात्रों को बस से उतारा गया। अंबाला के असिस्टेंट ऑफिसर ने बताया कि छात्रों को सरकार के आदेशों पर वापस लाया गया है। इनमें से 6 लड़कों को अंबाला कैंट में तो 8 लड़कियों को अंबाला शहर की एक धर्मशाला में क्वारंटाइन किया गया है। इन सभी का मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है। हरियाणा सरकार की योजना के अनुसार जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे उनको वापिस अपने अपने शहरों में लाया गया है। तो इसी सिलसिले में अंबाला में 14 बच्चे लाए गए हैं, जिनको लड़कों को स्काउट सेंटर अंबाला कैंट में 6 लड़के हैं उनको वहाँ रोका गया है और 8 लड़कियाँ उनको इस कंबोज धर्मशाला में रखा गया है। ये इनको अभी फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया है। बस में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो यमुनानगर और पंचकुला के। हाँ, वो अब बस जैसे ही यहाँ से अपना इन बच्चों को छोड़ती है उसके बाद यमुनानगर और पंचकुला बच्चों को छोड़ेगी। इसी तरह पूरे हरियाणा में बच्चों को छोड़ा गया। हाँ, ये अब अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग ये बच्चे कोटा में ले रहे थे। हाँ, इनका प्रिलिमिनरी हेल्थ चेकअप किया गया है और अभी इनका डिटेल्ड हेल्थ चेकअप वो अभी किया जाएगा। बच्चे 14 बच्चे अंबाला से हैं, टोटल पूरे हरियाणा के लगभग 800 बच्चे इस तरह आए। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।